लेकिन रेडियल क्लॉक से हमें ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में कुछ नहीं मिलता। ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो शेप के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन रेडियल क्लॉक से नहीं मिलती है। हमें मिलेगी जो ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है, ओरिएंटेशन होता है, वो हमें एंगुलर क्लॉक से मिलेगा, रेडियल क्लॉक में से नहीं मिलेगा। सो फॉर अस इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू गो फॉर एंगुलर क्लॉक्स रेदर देन रेडियल क्लॉक्स। सो वी विल बी मोर इंटरेस्टेड इन एंगुलर क्लॉक्स। ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी है, एंगुलर क्लॉक्स आपको प्रैक्टिकल्स में भी आएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में आपको ये आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ फंक्शन, सम साई फंक्शन, एंड वेरी ओनली वन ऑफ द एंगुलर वेरिएबल, दैट इज वी विल बी वेरिंग आइदर थीटा और फाई वेरीज, कीपिंग अदर टू, दैट इज आर, और दूसरा जो यहाँ का है जो कॉन्स्टेंट है वो वेरी अदर टू कॉन्स्टेंट, दैट इज अगर हम थीटा को यहाँ पे वेरी कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे फाइ हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर हम यहाँ पे फाइ को वेरी कर रहे हैं तो यहाँ पे थीटा हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। सो इट विल बी एक को हम वेरी करते हैं बाकी इसको हम कॉन्स्टेंट करते हैं। वी विल टेक एन वन एग्जाम्पल ऑफ दिस, दैट इज ऑफ सिंपलर एग्जाम्पल। कंसिडर टू पी जेड ऑर्बिटल, कंसिडर टू पी जेड ऑर्बिटल। सो वी हैव वेव फंक्शन साई ऑफ टू पी जेड। टू पी जेड हमने इसलिए लिया कि ये यहाँ सिर्फ थीटा पे वेरी करता है, फाई वहां पे होता ही नहीं है बिकॉज इट इज जेड ऑर्बिटल। सो जेड एक्सिस पे सिर्फ कॉस थीटा टर्म होता है, फाई टर्म हमारा नहीं होता है। अगर हम एक्स या वाई करते हैं तो उसमें साइन थीटा साइन फाई या साइन थीटा कॉस फाई होता है। सो थीटा और फाई दोनों वहां पे आते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। तो हम सिंप्लिसिटी रखने के लिए जेड ऑर्बिटल लेंगे, टू पी जेड ऑर्बिटल। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन साई टू पी जेड इक्वल्स 4√2π जेड टू द पावर ऑफ 5/2 आर जेड टू द पावर ऑफ माइनस जेड आर बाय टू, सॉरी ई, दिस इज ई टू द पावर ऑफ माइनस जेड आर बाय टू कॉस थीटा। यहाँ पे हम आर और फाइव को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, फाइव टर्म यहाँ पे है नहीं इसलिए उसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आर टर्म को हम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, मीन्स कि ये जो टर्म है दिस इज कॉन्स्टेंट, ये टर्म हमारा कांस्टेंट होगा, आर ई टू द पावर ऑफ माइनस जेड आर बाय टू कांस्टेंट होगा। ये टर्म ऑलरेडी कांस्टेंट है बिकॉज इट डज नॉट टेक हैव एनी वेरिएबल्स, तो ये हमारा कांस्टेंट होगा, ये भी हमारा कांस्टेंट होगा। सो वी कैन राइट इट एज टू पी जेड साई ऑफ टू पी जेड इक्वल्स कॉन्स्टेंट इंटू कॉस थीटा, सम कॉन्स्टेंट वैल्यू इंटू कॉस थीटा। तो our plots will be represented only by the variation of in cos theta, nothing else. So इसमें अगर हम वेरी करते हैं थीटा का, अगर हम वेरी करते हैं, let us have theta equals 0, 30, 60 degrees, 90, 120, 150 degrees एंड 180, 0 से 180 तक का अगर हम करते हैं तो इसमें कॉस थीटा की वैल्यूज कितनी आती है, लेट अस से दैट, लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा। कॉस 0 इज 1, सो कॉस 0 वी विल हैव इट इज 1। कॉस 30 डिग्रीज √3/2, कॉस 60 इज हाफ, कॉस 90 इज 0, कॉस 120 इज माइनस हाफ, कॉस 150 इज माइनस √3/2 एंड कॉस 180 इज माइनस 1। सो दिस वे वी कैन इजीली फाइंड इट आउट दिस पर्टिकुलर वैल्यूज। ये वैल्यूज अगर हमको मिलती है तो हम उस कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करके
हम एक पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन। सो अगर हमारा ये अगर हमें मिलता है तो वी कैन प्लॉट दिस इन एन एंगुलर। अभी तक हमने जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हमने देखे हैं, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बजाय हम यहाँ पर वी कैन प्लॉट देम इन एन एंगुलर प्लॉट्स। एंगुलर प्लॉट्स में क्या होता है, दिस इज आवर 90 डिग्रीज, इफ दिस इज आवर जेड एक्सिस है, हमारा ये जेड एक्सिस पे है, तो जेड एक्सिस से ये 90 डिग्री पे आता है, यहाँ पे थीटा इक्वल 0 है, यहाँ पे थीटा इक्वल्स 90 डिग्री है। समवेयर हियर इट विल बी थीटा इक्वल्स 30 डिग्री होगा, हियर इट विल बी थीटा इक्वल्स 60 डिग्रीज होगा। सो वी कैन प्लॉट दिस, वी कैन ज्वाइन दिस लाइन। We can have this as a 30 degrees, 60 degrees का दो काम में मिला। Then we can have this as 120 degrees. This as 90, this is 120 degrees, 150 degrees and we have it this as 180 degrees. So हमारे यहाँ पे इतने मिल गए। So we have cos theta terms हैं, 0 पे cos 0 पे हमारा 1 था, so let this be equal to 1 over here. So let this be equal to 1 over here. Then at cos 30 it was root 3 by 2. Cos 30 is root 3 by 2, so it will come somewhere here at this particular point. Then half, so iska half hoga, so it will be somewhere here for cos 60. So if you plot it something like this, it will be cos 60 के लिए यहाँ पर आएगा, cos 90 के लिए हमारे पास 0, so वो 0 यहाँ पर हो जाएगा। Then we have minus half for 120, so again it will be somewhat here at 120, at this position 150 पे आएगा, and again we will have ये हमारा होगा 180 degrees पे। तो अगर हम ये lines को join करते हैं, तो ये join करेंगे तो it will be it will be something like this. So ये हमारा जो है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये टू सेमी सर्कल्स आर प्रेजेंट, इट इज लाइक अ टू सेमी सर्कल्स आर प्रेजेंट। इफ वी एक्सट्रापोलेट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस ग्राफ, इस तरफ में भी अगर हम वैसा ही निकालते हैं तो दिस विल बी समवॉट लाइक दिस। सो ये हम अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं तो ये इस तरह का शेप मिलता है, दिस इज अ डम्बल शेप। तो डम्बल शेप हमको मिलता है ये ऑर्बिटल का, दिस ऑर्बिटल इज डी सॉरी पी जेड ऑर्बिटल, इट इज अ पी जेड ऑर्बिटल दैट वी हैव सीन इट। सो पी जेड ऑर्बिटल, टू पी जेड ऑर्बिटल का शेप हमारा इस तरह से मिलता है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द शेप ऑफ दिस फ्रॉम एंगुलर प्लॉट्स। एंगुलर प्लॉट्स अगर हैं तो उस एंगुलर प्लॉट से हम ये शेप इजीली हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे इजी होता है बिकॉज हमारा जो रेडियल पोर्शन है वो कांस्टेंट रखते हैं हम, सिर्फ थीटा को चेंज करते हैं या फाई को चेंज करते हैं। सो एनीथिंग वन ऑफ देम इज गेटिंग चेंज्ड, द अदर इज केप्ट कांस्टेंट।
सो इससे हमें ये इस टाइप के प्लॉट्स मिलते हैं। आपको प्रैक्टिकल्स में भी इसी टाइप के प्लॉट्स करने हैं। आपको राउंड वाला एक ग्राफ पेपर मिलेगा, उस ग्राफ पेपर पे इनको इनका वैल्यूज निकालना है, नॉट एट 30, 60, 90 डिग्रीज, बट एट एवरी 15 डिग्रीज यू हैव टू राइट इट, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, इसका आपको वैल्यूज कैलकुलेट करने और वो आपको यहाँ पे प्लॉट करने एंड ट्राई टू फाइंड ट्रैवर्स दी पाथ, सो दैट ये हमारा शेप हमको डबल डम्बल डम्बल शेप्स हमको मिल जाएंगे। सिमिलरली यू कैन प्लॉट इट फॉर द डबल डम्बल शेप्स, दैट इज फॉर डी ऑर्बिटल्स ऑल्सो वी कैन इजीली प्लॉट द ग्राफ्स। वी विल नॉट बी प्लॉटिंग दैट फॉर डी ऑर्बिटल्स एंड अदर थिंग्स, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इतना हमारा नहीं काफी है।